गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम हिंदी में अपना चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? आज हम हिंदी के चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देखिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न, तो सबसे पहले आपको अपने मौखिक प्रश्न के उत्तर देने हैं। ओके, तो आपको पता ही है आपको इन प्रश्नों के उत्तर ओरल में देने हैं, यानी कि आपको आंसर ओरल देना है, इनको लिखना नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और हम क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। का, गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? तो बताइए आप लोग मुझे, गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले भारत के एक महान नेता थे। आंसर क्या होगा इसका? गोपाल कृष्ण गोखले भारत के एक महान नेता थे। कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अध्यापक ने प्रश्न घर से हल करने के लिए क्यों दिया? क्या है क्वेश्चन? अध्यापक ने प्रश्न घर से हल करने को क्यों दिया? बताइए मुझे, आप लोगों ने चैप्टर मेरे साथ रीड किया है ना, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? अध्यापक ने प्रश्न घर से हल करने के लिए इसलिए दिया क्योंकि, बोलिए, बच्चे प्रश्न को हल नहीं कर पा रहे थे और तभी छुट्टी की जो घंटी थी वह बजी और इसलिए अध्यापक ने प्रश्न घर से हल करने को दिया। समझ आया आपको क्या हुआ था? जो प्रश्न था वो बच्चे हल नहीं कर पा रहे थे और उसी टाइम छुट्टी की घंटी बजी, तो इसलिए अध्यापक ने प्रश्न घर से हल करने को दिया। ओके, तो ये भी क्वेश्चंस आपका हो गया कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं और अपने सेकंड क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या है? बहुवैकल्पिक प्रश्न। बहुवैकल्पिक प्रश्न, एमसीक्यूज क्वेश्चन। तो आपको इन्हें एमसीक्यूज क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो इसका मतलब क्या होता है कि आपको ऑप्शंस दे रखे होंगे, उसमें से आपको एक करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो स्टार्ट करें क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो चलिए करते हैं। देखिए, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? उस समय गोपाल किस कक्षा में पढ़ता था? उस समय गोपाल किस कक्षा में थे? मतलब जो गोपाल कृष्ण गोखले थे, हमने स्टोरी पढ़ी थी इस चैप्टर की, तो उस टाइम गोपाल कृष्ण गोखले किस कक्षा में थे? बताइए, दूसरी, तीसरी या चौथी? बोलो आप लोग किस कक्षा में थे? तीसरी में ही तो हो, तो ऐसे ही गोपाल कृष्ण गोखले भी तीसरी कक्षा में थे, तो इसका आंसर होगा तीसरी। सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों? कौन गोपाल कृष्ण गोखले को अपना गुरु मानते थे? कौन गोपाल कृष्ण गोखले को अपना गुरु मानते थे? तो इसका आंसर क्या होगा? गांधी जी, नेहरू जी या नेताजी? बोलिए, कौन गोपाल कृष्ण गोखले को अपना गुरु मानते थे? गांधी जी। तो इसका आंसर होगा गांधी जी। ओके, थर्ड, सब किस बात से हैरान थे? सब किस बात से हैरान थे? बोलिए, गोपाल के सवाल हल करने से, अध्यापक के प्रशंसा करने पर, गोपाल के रोने से? बोलिए, सब लोग किस बात से हैरान थे? गोपाल के सवाल हल करने से, अध्यापक के प्रशंसा करने से, गोपाल के रोने से? क्या होगा इसका आंसर? गोपाल के रोने से। गोपाल रो रहा था ना, तो इसलिए सब उसको देखकर हैरान थे, क्योंकि अध्यापक तो उसकी प्रशंसा कर रहे थे और गोपाल तो रो रहा था। ठीक है, तो आपका सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं और अपना थर्ड क्वेश्चन को पढ़ते हैं।
तो देखिए आपका जो थर्ड क्वेश्चन है लिखित प्रश्न, तो स्टार्ट करें उसको। आपको इन प्रश्नों को लर्न करना है और इन्हें अपनी नोटबुक पर सुंदर हैंडराइटिंग के साथ लिखना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले ने जीवन भर क्या किया? गोपाल कृष्ण गोखले ने जीवन भर क्या किया, बताइए क्या होगा इसका आंसर? गोपाल कृष्ण गोखले ने जीवन भर भारत की उन्नति के लिए प्रयत्न किया। क्या किया? गोपाल कृष्ण गोखले ने जीवन भर भारत की उन्नति के लिए प्रयत्न किया। उन्नति का मतलब क्या होता है? तरक्की। तो जो गोपाल कृष्ण गोखले थे उन्होंने अपने पूरे जीवन भर में भारत की तरक्की के लिए काफ़ी सारी कोशिश प्रयत्न की है। ओके, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने जीवन भर क्या किया? गोपाल कृष्ण गोखले ने जीवन भर भारत की उन्नति के लिए प्रयत्न किया। समझ आ गया आपको? सेकंड क्वेश्चन पढ़े, चलिए सेकंड क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बच्चे प्रश्न क्यों हल नहीं कर पाए? बच्चे प्रश्न क्यों हल नहीं कर पाए, बताइए क्यों हल नहीं कर पाए? बच्चे प्रश्न हल इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि प्रश्न काफ़ी कठिन था। तो इसका आंसर क्या होगा? क्योंकि प्रश्न काफ़ी कठिन था। बच्चे प्रश्न हल इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि प्रश्न काफ़ी कठिन था। ओके, सबको समझ में आ गया? आगे बढ़ो, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आप लोग, थर्ड क्वेश्चन क्या है? अपनी प्रशंसा सुनकर भी गोपाल खुश क्यों ना था? अपनी प्रशंसा सुनकर भी गोपाल खुश क्यों ना था, तो इसका आंसर क्या होगा बताइए आप लोग मुझे? मतलब जो अध्यापक थे वो तो गोपाल की प्रशंसा कर रहे थे ना, तारीफ कर रहे थे ना, पर ये सब सुनकर भी गोपाल खुश नहीं था, ऐसा क्यों? क्या होगा इसका आंसर? अपनी प्रशंसा सुनकर भी गोपाल खुश इसलिए ना था क्योंकि वह प्रश्न उसने नहीं उसके बड़े भैया ने हल किया था। समझ में आया आपको? तो क्या हुआ था, जो प्रश्न था वो गोपाल ने हल नहीं किया था, वो उसके बड़े भाई ने हल किया था, तो अध्यापक तो उसकी तारीफ कर रहे थे, ये सब सुनकर वह खुश नहीं था। समझ में आया? तो वह ईमानदार था, है ना, वह अपनी झूठी प्रशंसा देखकर खुश नहीं था, तो इसका आंसर क्या होगा? अपनी प्रशंसा सुनकर भी गोपाल खुश इसलिए ना था क्योंकि वह प्रश्न उसने नहीं उसके बड़े भैया ने हल किया था। अपनी प्रशंसा सुनकर भी गोपाल खुश क्यों ना था? अपनी प्रशंसा सुनकर भी गोपाल खुश इसलिए ना था क्योंकि वह प्रश्न उसने नहीं उसके बड़े भैया ने हल किया था। समझ में आ गया आपको? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं और अपना लास्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए आपका जो लास्ट रिटन यानी लिखित प्रश्न है वो क्या है, गोपाल ने रोते रोते अध्यापक से क्या कहा? गोपाल रो रहे थे ना, तो जब रो रहे थे तो उन्होंने क्या कहा अपने टीचर से? गोपाल ने रोते रोते अध्यापक से क्या कहा, तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए, गोपाल ने रोते रोते अध्यापक से कहा, गुरुजी। वह अपने अध्यापक को क्या बुलाते थे? गुरुजी। गोपाल ने रोते रोते अध्यापक से क्या कहा? गुरुजी। जैसे आप लोग मुझे मैम बुलाते हो ना, तो वैसे ही वह अपने टीचर को क्या बुलाते हैं? गुरुजी। गुरुजी, आप मेरी प्रशंसा कर रहे हैं किंतु मैं इस प्रशंसा के योग्य नहीं हूँ। यह प्रश्न मैंने अपने आप हल नहीं किया है, इसे मेरे बड़े भैया ने हल किया है। समझ में आया आपको? तो गोपाल ने रोते रोते अध्यापक से क्या कहा? गोपाल ने रोते रोते अध्यापक से कहा, गुरुजी, आप मेरी प्रशंसा कर रहे हैं किंतु मैं इस प्रशंसा के योग्य नहीं हूँ। यह प्रशंसा मैंने अपने
यह प्रश्न मैंने अपने आप हल नहीं किया है, इसे मेरे बड़े भैया ने हल किया है। क्लियर? तो गोपाल ने रोते रोते अध्यापक से क्या कहा? गोपाल ने रोते रोते अध्यापक से कहा, गुरुजी आप मेरी प्रशंसा कर रहे हैं किंतु मैं इस प्रशंसा के योग्य नहीं हूँ। यह प्रश्न मैंने अपने आप हल नहीं किया है, इसे मेरे बड़े भैया ने हल किया है। समझ आ गया आपको? तो आपके जो रिटन क्वेश्चंस थे 1, 2, 3, 4 वो आपके कंप्लीट होते हैं। अब मैं आपको आपकी अगली एक्सरसाइज कराती हूँ, तो चलिए करते हैं। तो बच्चों, आपका जो चैप्टर नंबर 10 था, हमने उसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कंप्लीट कर लिए हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 कल कराऊंगी। मैं कराने वाली हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है देखते हैं। तो चलिए देखिए क्या है क्वेश्चन। सही वाक्य पे सही तथा गलत वाक्य पे गलत लगाइए। क्या करना है? पुट अ राइट फॉर राइट स्टेटमेंट एंड अ रॉन्ग फॉर अ रॉन्ग वंस। यानी कि अगर आपको लगता है कि ये वाक्य गलत है तो आप गलत का साइन लगाइए, अगर आपको लगता है कि ये वाक्य सही है तो आप सही का निशान लगाइए। ओके, तो वाक्य को पढ़ें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या लिखा है। अध्यापक ने बच्चों को गणित का प्रश्न दिया। बताइए अध्यापक ने बच्चों को किसका प्रश्न दिया था? गणित का ना। तो ये वाक्य सही है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सही का निशान लगाना है। सेकंड देखिए, सभी बच्चों ने प्रश्न हल कर लिया। बताइए क्या सभी बच्चों ने प्रश्न को हल कर लिया था? बताइए ये स्टेटमेंट सही है या गलत? अभी मैंने बताया था आपको ये नहीं, सभी बच्चों ने प्रश्न हल नहीं किया था, तो आपने यहाँ पर गलत का निशान लगा दिया है। थर्ड, अपनी प्रशंसा सुनकर गोपाल खुश हो गया। नहीं, गोपाल रोने लगा था क्योंकि वह प्रश्न उसने नहीं उसके बड़े भाई ने हल किया था। लास्ट, सच्चाई सुनकर अध्यापक ने गोपाल की प्रशंसा की। कैसी सच्चाई सुनी थी? कि वह प्रश्न उसने नहीं उसके बड़े भाई ने हल किया है। ये सारी बातें सुनकर अध्यापक खुश हुए क्योंकि वह ईमानदार था, उसने उनको सारी सच्चाई बताई थी। हाँ, तो सच्चाई सुनकर अध्यापक ने गोपाल की प्रशंसा की, तो ये वाक्य भी सही है, तो आप यहाँ पर भी सही का निशान लगाइए। तो आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 5 था वो भी अब कंप्लीट होता है। तो अब आपको होमवर्क में क्या करना है? आपको होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 3 और 5 अपनी होमवर्क नोटबुक पर करना है। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपको लर्न करना है। अब मैं आपको मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों, गुड बाय।